हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज आप जो मैंने कल पार्ट वन किया था उसका ही आप पार्ट टू देखेंगे। इसमें आपको पूरा लगन का और साथ में जो हल्दी होती है, बाँध निकलते हैं लड़की के, वही तेल चढ़ना, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लगन लिखे जाते हैं, तो साथ के साथ ना जो इनको पता चल रहा था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो वो मुझसे पूछ रहे थे दी आपके चैनल का नाम क्या है। तो बस मैं यहाँ पे उन लोगों को भी बताती, क्योंकि हर किसी को थोड़ा धीरे धीरे पता चलने लग रहा था। पर सब पूछ तो रहे थे आपके चैनल का नाम क्या है, पर वीडियो के सामने आने के लिए कोई जल्दी से तैयार नहीं होता है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो बस आप वीडियो एंजॉय कीजिए। देवता कहाँ पे रखोगे आप? मम्मी बताओ आके। तो लगन का काम होने के बाद अब मम्मी बना रही हैं चाय सभी के लिए। तो बस यहाँ चाय बनने के लिए रख दिया, क्योंकि बाकी सबने तो पी थी, बट मैं जो घर के मेन मेंबर है जैसे बुआ वगैरह, मम्मी और हम सब ने चाय नहीं पी थी, तो बस चाय बना रहे थे। चाय पीने के बाद हमने उसके बाद जो बाँध निकले थे लड़की के 5 बाँध निकले थे, तो बस वहाँ पर अब तेल चढ़ाने की तैयारी है, मतलब तेल चढ़ाना, हल्दी लगाना, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बस यहाँ पर वही चल रहा है। लड़की के तेल चढ़ाने के साथ साथ जो तेल चढ़ा रहा है ना, उसके साथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा है, उनको गुदगुदी की जा रही है। तो इस तरीके से इमोशनल मोमेंट के साथ यहाँ पे सबको हंसाने की भी कोशिश की जा रही है। सामने नहीं पड़ रहा।
मैंने कहीं पर भी म्यूज़िक नहीं लगाया है, मैंने आपको ओरिजिनल ही वीडियो में मतलब जो भी गीत गाए जा रहे हैं, जो भी हंसी मजाक हो रहा है वो मैंने कोशिश करी है कि आपको सुनाई दे। तो मैंने यहाँ पे वीडियो ज़्यादा म्यूट भी नहीं करी है और म्यूज़िक भी नहीं लगाया है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो। अगर इंजॉय ज़रा सा भी किया है आपने तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इंजॉय किया है वीडियो को। तो यहाँ पे लड़की को हल्दी लगना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा रिचुअल, जैसे हमारे यहाँ पे ना जैसे लड़की को हल्दी लगने के बाद सीधा उठा के पटड़ा अंदर लेके चले जाते हैं, पर यहाँ पे ना हमारी बुआ के यहाँ पे साथ में उसके भाई या उसका कोई भांजा लगे उसे छोटे बच्चे को उसके साथ बिठाते हैं लड़के को, और फिर दोनों का आरता किया जाता है। और मेरी बुआ भी नागरों में ब्याही है, मेरी बुआ भी नागर ही हैं, मतलब नागरों में ब्याही हैं और मैं भी नागरों में ब्याही हूँ, पर थोड़ा सा ना अंतर है। अब इधर का तो मैंने ज़्यादा रिचुअल्स अभी देखे नहीं हैं अपने फरीदाबाद के, पर हमारे जो मम्मी हर के मैंने मतलब जब हमारी शादी हुई थी तो जब हल्दी वगैरह चढ़ी थी तो इस तरीके से लड़के को हमारे साथ नहीं बिठाया गया था, तो सीधा हल्दी लगाना, तेल चढ़ाना बान होने के बाद सीधा देवताओं के पास ले जाते हैं। तो शायद कस्बे और थोड़ा सा शहर बदलने के साथ साथ ना गुजरों के भी रिचुअल्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है, जैसे कि हमारे में ये नहीं होता है कि लड़का साथ में बिठाते हैं, सिर्फ इंडी रखते हैं सर पे, इंडी रख के साथ में जिस पटड़े पे लड़की बैठी होती है उस पटड़े को साथ में उठा के लड़की जहाँ पे उनके देवता बिठाए जाते हैं वहाँ पर जाती है लड़की, और जो उसकी गोद में बताशे वगैरह दिए जाते हैं वो वहाँ रखती है, हाथ जोड़ती है, माथा टेकती है और अपने आने वाले जीवन के लिए कामना करती है कि सब कुछ अच्छे से हो। और यहाँ पे मैंने कैमरा किसी को पकड़ाया हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो अब यहाँ पे लड़की का आरता किया जाएगा। ये मेरी जो आरता कर रही है मेरी बड़ी बुआ जी की लड़की हैं, तो ये आरता करेंगी, उसके बाद लड़के का आरता करेंगी। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ लड़की ही होती है तो सिर्फ लड़की का ही आरता किया जाता है, अगर लड़की की शादी है तो लड़की का आरता किया जा रहा होता है, अगर लड़के की शादी है तो लड़के का आरता किया जा रहा होता है। तो बस यहाँ पे अब रिंकी मीनाक्षी का आरता करेगी, जो मेरी बड़ी बुआ जी है उनका नाम, उनकी लड़की का नाम रिंकी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा म्यूज़िक लगा दिया है, वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ना ये वाली वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और इसमें आरता ही किया जा रहा था, तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे रिंकी को जो उनकी मतलब मेरी बुआ की जो देवरानी है वो बता रही है कि ऐसे करना है आरती।
जाओ सामने से बनाइयो वीडियो। अरे साथ से पकड़ लेना कैमरा, कुछ नहीं करना, सारे भाग जाए, आगे भाग जाए उनके। पीछे लगा ऐसी मत तेल बेटा बद के जाओ। बस दीदी